Sorry, I'm not interested. I'm not interested. I told you I'm not interested. I said I'm not interested. Not interested. I'm not interested. संजू सैमसन ने सेंचुरी मार ली है, तिलक वर्मा ने बैक टू बैक सेकंड सेंचुरी मार ली है, डेडमैन सेज ने आज थंबनेल में क्लिकबेट कर लिया, मतलब कितनी चीजें हो गई आज। तो इसी बात पे कर लो चैनल को सब्सक्राइब और आज ऑल ऑन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मीम्स देखते हैं। भाई मैं एक ही मैच में 2-3 मैचेस के रन बनाया करूंगा, मेरे से हर रोज मेहनत नहीं होती। देखो माय मैन गोज बाय सिंपल स्ट्रेटेजी, 2 टन 2 डक्स, या तो शतक या तो बदक, बदक शतक, बदक शतक, शतक बदक, शतक बदक। काफी ज्यादा टंग ट्विस्टर था ये, बट ट्राई करके देखो एक बार, मजा आएगा। सुबह सुबह इसकी मस्त कमेंट है, चल गया तो शतक, नहीं तो बदक, तुमसे ना हो पाएगा। Either duck or a century, there is no middle ground. तो क्या हमें संजू सैमसन को वर्ल्ड कप फाइनल 2026 में खिलाना चाहिए? अगर संजू भाई सेमीफाइनल में सेंचुरी मारते हैं तो फाइनल में भी मार ही सकते हैं यार, ये तो बैक टू बैक मारते हैं। बट इमेजिन संजू सैमसन अगर लीग के आखिरी मैच में सेंचुरी मारे, सेमीफाइनल में सेंचुरी मारे, तो क्या तुम उसको फाइनल खिलाओगे? क्योंकि 2 सेंचुरीज का कोटा पूरा हो चुका है। इंटरेस्टिंग थॉट नहीं है ये? काफी घटिया थॉट है। चलो आगे बढ़ते हैं। चुप करें मैनेजर। 100-100 बदक बदक 100। मैं पहली बार ऐसा बंदा देख रहा हूँ जिंदगी में, 300 रन बनाए 5 मैचों में, फिर भी 2 बार क्रिटिसाइज गंदी तरीके से हुआ है एंड 3 बार ऐसी तारीफ ली है कि भाई क्या ही बात करें। फुल रिस्पेक्ट टू सूर्या भाऊ फॉर बैकिंग हल्क संजू सैमसन। इसकी मस्त कमेंट है, इमेजिन करो ये 2017 से कंसिस्टेंट रहता तो अब तक ना इंडिया के पास एक और एक्स्ट्रा आईसीसी ट्रॉफी होती शायद। इसकी मस्त कमेंट है, चेटा 7 मैच ओपनिंग कर ले, तिलक सूर्या भाई मैं 3 पे खेल लू क्या? खेल ले, माय मैन इज अ जेम ऑफ अ कैप्टन। भाई तुम देखो बंदा क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहा है। संजू सैमसन को जहां खिलाना चाहिए वहां पे खिलाया, तिलक वर्मा को अपनी वो पोजीशन दे दी जो वो अभी रिगेन करता आफ्टर विराट कोहली रिटायरमेंट। क्रेजी है सूर्या भाऊ यार, फुल रिस्पेक्ट है आपको, धन्यवाद। बीइंग नंबर 1 T20 बैटर हिमसेल्फ, कोई भी बंदा होता, मतलब फॉर बेस्ट एग्जांपल बाबर आजम को ही ले लेते हैं, वो अगर ऐसी साउथ अफ्रीकन टीम के सामने बैटिंग पिच पे खेलता वो तो भाई ओपनिंग करने आ जाता, जो कि वो आता भी है। जिम्बाब्वे के सामने तो यही हाल होता है। मेरे हिसाब से सूर्या भाऊ ने इस सीरीज में 1 सेंचुरी तो ऐसे सैक्रिफाइस कर दी है, फुल रिस्पेक्ट मैन, भुक्के रहना पड़ेगा मेरे आगे। दो भाई दोनों तबाही। इसकी कमेंट देखो, इंडिया इन टेस्ट, इंडिया इन T20s, क्योंकि अपन चैंपियन किस बात के, T20s के चैंपियन है हम, टेस्ट क्रिकेट वगैरह इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता आजकल। भाई आज इंडिया ने 280 रन बनाए, मे बी जस्ट आई एम सेइंग, ये टेस्ट मैच के अंदर बनेंगे ना बनेंगे इसके ऊपर भी शक है, क्योंकि आजकल इंडिया से 300 नहीं बन रहे टेस्ट मैच के अंदर। स्टार बॉय, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ बॉय। भाई कुछ तो है यार अपनी इंडियन जर्सी में, जो यंगस्टर आता है वो परफॉर्म करके चला ही जाता है। रियल आईडी से आओ उन्मुख चंद, बाकी डेडमैन बाबा की क्रिंज रील देखने इंडियन जर्सी में तो इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ, deadman_v3 लिंक के डिस्क्रिप्शन में। कल ही एक लेटेस्ट रील डाला है, काफी क्रिंज वाला, जाके देख लेना। दो भाई दोनों तो भाई, जिसने भी एडिटिंग की है 2/10। इसकी मस्त कमेंट है, संजू भी लाइक मारूंगा तो 100 वरना 0, वरना इंटरेस्ट ही नहीं होता भाई को। जैसे ही संजू सैमसन का पहला रन बनता है ना, सारे बॉलर्स बोल देते हैं हम लोग को खेलना ही नहीं है, हम लोग को घर जाना है। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके ब्रो, इट्स परफेक्ट एग्जांपल ऑफ चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। आई मैनेज चाइना, चाइनीज प्रोडक्ट कैसे चला तो एकदम बेहतरीन, वरना शाम तक उसकी बैटरी बाहर। एग्जैक्टली माय बॉय संजू रिप्रेजेंट्स चाइना। अब ये कुछ तो गलत हो सकती है कमेंट, बट कोई ना, डेडमैन सेज के ऊपर कोई बंधन नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। ओनली प्लेयर आई विल ऑलवेज रिग्रेट CSK नॉट गोइंग फॉर अ फ्यू मोर बिड्स। हां भाई, अब मुझे ऑक्शन याद आ रहा है जिसमें MI और CSK के बीच में बिडिंग वॉर चल रही थी। देख रहे हो RCB वालों, इनको पहले से पता होता है प्लेयर कैसा खेलेगा, इसको बोलते हैं स्काउटिंग टीम। ये ऐसे प्लेयर्स बनाए जाते हैं। 2 चैंपियन टीम जिनके पास 5-5 कपे, उन्हें पता था कि ये किस दर्जे का प्लेयर है, वेरस RCB नहीं भाई, अलजारी जोसेफ, ये ले पैसा। तिलक वर्मा भी लाइक बूम। भाई मेरे को सबसे मस्त चीज क्या लगी पता है, तिलक वर्मा संजू के पीछे से आया और एक टाइम पे वो रन्स में उसके आगे था। संजू समथिंग 30-40 पार था जब ये बैटिंग करने को आया, पीछे से आके भाई ने एक्सेलरेट कर दिया, लाइक दिस इज क्रेजी। सुरेश रैना की याद दिलाता है ये बंदा। सुरेश रैना और कृणाल पांड्या का अगर बच्चा होता तो तिलक वर्मा जैसा दिखता। भाई बच्चे से याद आया, हमारे रोहित भाई को बेटा हुआ है, तो कांग्रेचुलेशंस टू द कपल। एक बार कमेंट्स में कांग्रेचुलेशंस हिटमैन तो बनता है, ठीक है समझ गया। 100 vs. Bangladesh, 100 vs. South Africa, डक वर्सेस साउथ अफ्रीका, डक वर्सेस साउथ अफ्रीका, 100 vs. South Africa, Eminem who? Deadman बाबा बोलते ये सब क्या देखना पड़ रहा है। फर्स्ट इंडियन संजू सैमसन बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर बैक टू बैक 100 इन T20s, ओके। सेकंड इंडियन तिलक वर्मा बिकेम द सेकंड इंडियन टू स्कोर बैक टू बैक 100 इन T20s। ये मीम मेरे को किसने भेजा है? ये मीम रिव्यू चैनल है ना या फिर फैक्ट रिव्यू चैनल है? इस मीम का मैं करूँ क्या, इस पे हंसू कैसे? फिर पब्लिक बोलती है मजा नहीं आता, अनफनी है तू, ये है तू, हंसू कैसे इसके ऊपर? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हम दो भाई दोनों तो भाई, ये मीम 17वीं बार देख रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। इसकी मस्त कमेंट है, लाइव मैच बोलकर हाइलाइट्स दिखाता है। 2
कंसेक्यूटिव सेंचुरीज, टू कंसेक्यूटिव डक्स। धंधा करो तो बड़ा करो पुरुषोत्तम भाई, वरना मत करो। मतलब अभी जो अगला T20 का मैच होगा इंडिया का, उसमें संजू की सेंचुरी आ रही है, क्योंकि कंसेक्यूटिव आएगा ना, एक आ गई मतलब दूसरी भी आएगी। बाय द वे, डेडमैन मामा ने 8:30 बजे प्रेडिक्शन दे दी थी कि संजू सेंचुरी मारेगा। झूठ लग रहा है, टेलीग्राम पे आओ और जाके चेक करो, 8:30 बजे का मेरा मैसेज है। डेडमैन से टेलीग्राम का नाम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाक से ज्वाइन कर लेना, गिव अवे बस आने ही वाला है। इतिहास गवाह, जब जब किसी के पापा ने बोला है तब से बेटे का डाउनफॉल शुरू हुआ है, बट माय मैन हैज डिलीवर्ड, आज सेंचुरी मारी है, तो चुप हो जाओ। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। हम दो भाई नहीं, ये मीमी स्किप कर देते, मेरे को कंटाला है। हम दो भाई दोनों क्या फनी लगता है तुम लोग का, इसमें आगे बढ़ो तो रहने दो फिर। फर्स्ट टाइम इट वॉज नाइस, आई हैड टू डू इट ट्वाइस। ऐसे मीम्स भेजा करो, इसमें आता है पढ़ने में मजा। इसकी मस्त कमेंट है, इंडिया आफ्टर विराट रिटायरमेंट, रोहित भी रिटायर हुआ है, उसके लिए तू कुछ नहीं बोलेगा, आई मीन जस्ट आस्किंग। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। टू प्लेयर्स स्कोरिंग सेंचुरीज इन अ सिंगल इनिंग्स ऑन 50। क्यों वो यादें निकालते हो उस वर्ल्ड कप, जाने तो ना ऐसा कोई वर्ल्ड कप ही नहीं हुआ था, ये बोल के मैं भी उसी वर्ल्ड कप की टी शर्ट पहनूंगा। साला 1 साल हो चुका है मैं यही टी शर्ट पहन के वीडियोस बना रहा हूँ, कैन यू इमेजिन, इतना ऑब्सेस्ड इंसान एक टी शर्ट से कैसे हो सकता है, दिस इज क्रेजी यार। एक इंसान 1 साल भर वही टी शर्ट पहन रहा है, किसी को नोटिस नहीं ना हुआ? नहीं। शतक से नीचे मैं बात नहीं करता, अब तो ये तिलक वर्मा भी बोलेंगे ऐसा। टेस्ट में हमारे बैटर्स कब बोलेंगे उसकी मैं थोड़े से वेट में हूँ, ऐसा विराट भाई जब फिर से बोलेंगे टेस्ट के अंदर तब मजा आएगा। अब बीजेटी में क्या होता है वो तो तमाशा ही होने वाला है, तुम्हें क्या लगता है लोंडो? कुछ पता नहीं, लेकिन हंसने की बात नहीं है, जो भी हंसेगा वो नरक जाए, हंसने की बात नहीं, जो हंसेगा वो नरक जाए। आगे बढ़ते भाई, मूड स्विंग्स ऑफ बॉयज बी लाइक, आई मीन एक मस्त जोक आ रहा था मेरे को, बट फिर मेरे को याद है कि अपना चैनल बच्चा फ्रेंडली है तो अपन स्किप करते हो उस जोक। इसकी मस्त कमेंट है, T20 ना भाई, रियल क्रिकेट 24। गाइस गेमिंग वीडियो डालू क्या? गेमिंग वीडियो से मस्त व्यूज आते हैं, एकदम फटाक से व्यूज छाप देता हूं मैं। ये मीम रिव्यू करके वैसे भी पैसा जाता है मेरा, रिटर्न में आते हैं 4 रुपए, मैं इन्वेस्ट करता हूँ 3 रुपए, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, उसकी मैं टॉफी खाता हूँ। इससे बेटर है अपन गेमिंग वीडियोस कर ले क्या? कमेंट्स में अपनी ऐश्वर्य राय दो, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? इसकी कमेंट देखो, ये 300 हमेशा रह जाता है, क्योंकि किसी की तो सेंचुरी बीच में आती है ना, बट यार वो लोग सेंचुरी मारते हैं इसलिए हम लोग 300 के करीब पहुंचते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज 300 बन जाएंगे किसी दिन, तुम खाली वेट करो, हम करते हैं प्रबंध। हम दो भाई फिर से, ये अगर मीम दिखा मैं स्क्रीन फोड़ देगा। इसकी मस्त कमेंट है, अब नहीं बोलोगे जीजी एरा, वीवीएस लक्ष्मण कैप्टन है, इसलिए बोलता हूँ रील्स और इंस्टाग्राम पे क्रिकेट देखना बंद करो, कभी ना लाइव मैच लगा के भी देखा करो। We just know how to start, don't know how to stop. जब से साला वर्ल्ड कप जीता है तब से ये टीम पगला गई है। I'm just talking about the T20 ODI और टेस्ट की यहाँ पे बातें नहीं हो रही, T20 की बातें हो रही है। इसकी मस्त कमेंट है, संजू भी लाइक मारूंगा तो सेंचुरी, नहीं तो मैं तो चला भाई सोने। अरे वाह गुड आइडिया, 100 तेरा 100 मेरा, 50-50 बराबर, नो चीटिंग। खराब हो जाएगा, मैं मार इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इसी मीम का वेट था। शाउट आउट टू लखनऊ सुपर जायंट्स फॉर पोस्टिंग दिस, धन्यवाद। मैन लाइफ गोल्स ना भाई, IPL, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और अन्य बेमतलब की सीरीज, ये अच्छी खासी मीम रिव्यू चल रही थी। रियलिटी चेक देने की क्या जरूरत थी, सब लोग के मूड का फलूदा कर दिया। हम देख रहे आज किसी ने भी मिस यू किंग, मिस यू हिटमैन नहीं कहा। आई मीन टेस्ट के अंदर आप खेल लो, वी आर हैप्पी विथ इट, आई मीन यू गॉट अ फेरी टेल एंडिंग इन द T20 वर्ल्ड कप, तो क्या और मिस यू करना भाई, मजे करो अपनी रिटायरमेंट में। इस बिचारी को तो बहुत तेज लगी बॉल, मुझे लगा भाई वो दिलजीत के कॉन्सर्ट में जो लड़की का मीम है ना, मेरे हर दूसरे मीम के बाद वो आ रहा है। 1 रील स्क्रॉल लड़की रोती है, 2 रील स्क्रॉल लड़की रोती है, हर लड़की दिलजीत के ही कॉन्सर्ट में क्यों रो रही है? डेडमैन सेज की वीडियो देख के तो साला कोई नहीं रोता आज तक, सिर्फ डेडमैन सेज रोता है 100K के लिए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ODI पिक्चर, T20 पिक्चर, मजे ही मजे, एंड बेस्ट पार्ट इज सब कुछ लाइव देखने का घमंड है। नो टाइम पास नहीं, आई मीन फुल टाइम पास, जिंदगी ही टाइम पास है। संजू सैमसंग कमिंग टू बैट टुडे, भाई ये बंदा तो रोहित भाई का रिकॉर्ड खा रहा है मुझे लग रहा है, 5 सेंचुरीज का, क्योंकि ये भी सेम टू सेम रोहित भाई की तरह ही खेलता है। पहले 12-13 ओवर में ही सेंचुरी का ऐसा सेटअप बनाओ कि कोई साला सेंचुरी रोक के दिखाए, या फिर सीधा सिंपल 10 के अंदर आउट हो जाओ, एज सिंपल एज दैट मेरे भाई। निकल ले भाई तू, फ्रॉम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा, टू जो बोलता है वही होता है। क्या हुआ है भोली जी आपको? अरे यार इट्स रियली सैड भाई, इट्स रियली सैड, आई मीन आई नो आप 2 बच्चों के बाप हो, क्या है ये वो भी नहीं पता चल रहा, जस्ट द थिंग इज क्या है ये, एग्रेशन ही जा चुका है। गलती तो साली हमारी है, हम अभी भी वो 25 साल के विराट कोहली का एग्रेशन एक्सपेक्ट करते हैं। गाइस उनके 2 बच्चे हो चुके हैं, सो चिल डाउन। बात तो सही है,
How I sleep knowing this might well be the highest score of India across formats for next 2 months. Who said it first? Baba is an antaryami. तो यार जल्दी से आ जाओ Instagram के ऊपर और Telegram के ऊपर, दोनों के लिंक से description के अंदर. बाकी चैनल पे नए हो तो do subscribe to the channel. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय. See you, प्यार के दे रहो. Bye bye.